सोनभद्र में शुक्रवार की शाम बारिश और ओलावृष्टि कई लोगों के लिए काल बनकर आई। जनपद के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र रामपुर बरकोनिया थाना के बैतरा नदी में शुक्रवार शाम मछली मार रहे 6 लोग बह गए थे। इनमें से 5 लोगों का शव शनिवार को कोन थाना क्षेत्र के चकरिया में प्रशासन ने बरामद कर लिया, जबकि एक महिला के शव की तलाश जारी है। मरने वालों में मां बेटी समेत एक ही परिवार के 3 लोग शामिल है। चौथी लापता वृद्धा भी इसी परिवार की है। देर शाम तक पुलिस ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश में लगी रही, मगर अभी तक शव बरामद नहीं हुआ। 25 मिनट। पुलिस ग्रामीणों की मदद से शव की तलाश में जुटी है। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचे एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शाम 4 बजे के करीब तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। इस दौरान गुड़वान गांव में 4 महिलाएं और 2 बच्चे लकड़ी बीनने के लिए नदी किनारे आए, जो बारिश में बचने के लिए नदी किनारे आए थे, लेकिन नदी में आए तेज बहाव पानी ने इनको अपाहा कर अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इनकी मौत हो गई। 4 बजे के आसपास में काफी बारिश ओलावृष्टि के साथ हुई थी। ये गांव पड़ता है गुड़वान, यहाँ से 4 महिलाएं और 2 बच्चे थे जो कि लकड़ी या बीनने के इसी आशय से आए थे पहाड़ियों पर, और जब तेज बारिश होने लगी और ओलावृष्टि होने लगी तो उसमें वो उन्होंने छिपने की कोशिश करी, और जो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी पहाड़ियों से इकट्ठा होकर वो बहाव के साथ आया और बहाव के साथ इनको भी बहकर बहाकर ले आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज 4 बॉडियां मिल गई थी सुबह, एक बच्चे की बॉडी अभी मिली है, एक अभी भी खोज जा रही है, बॉडी नहीं मिली है। ये संतरा देवी वाइफ ऑफ अमरनाथ, अभी इनकी बॉडी नहीं मिली है। बॉडियाँ जो मिल गई उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 5 शवों को खोज लिया गया है, एक की तलाश जारी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद से गांव में मातम का माहौल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।